दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रिंकू मौर्या है और आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूँ। 20 से 25 साल की एज ऐसी होती है दोस्तों जिसमें कि हम अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा उम्र होता है जिसमें कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है और साथ में जो है पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी भी आपके पास कई सारी होती है। यदि 20 से 25 साल की एज में हम आते हैं तो अगले 20 साल के लिए हम प्लानिंग अपनी पहले से कर सकते हैं। अब 45 की एज एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कि हमारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो 45 साल की एज में जैसे बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होता है या फिर बच्चों की मैरिज यदि लग जाती है तो उसमें भी पैसे की ज़रूरत हमें पड़ती है। ऐसे काफ़ी सारे गोल होते हैं जो कि लोग पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले से प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग हमें किस तरीके से करना है यदि हमारा 20 से 25 साल का एज है, तो यहाँ पर दोस्तों एक रूल हमें फॉलो हमेशा करना चाहिए। दोस्तों ये रूल कहता है कि आप जो भी महीने का कमाते हैं उसका 50% आपके जरूरतों पे खर्च होना चाहिए। दोस्तों 30% आपके इनकम का जो है आपके वांट्स पे यानी कि आपके जो शौक है उसको पूरा करने के लिए आप खर्च कर सकते हैं और 20% दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सेविंग के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आप कितना बचा सकते हो, मुझे नहीं पता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आप महीना कितना कमाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 15,000 रुपये महीना कमाते हैं या 20,000 रुपये महीना कमा लेते हैं या फिर 25,000 रुपये महीना आप कमा लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर यदि रूल को हम फॉलो करें तो देख सकते हैं कि यदि 50% यानी कि जो ज़रूरत पर जो पैसा खर्च हो रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7500 जिनकी सैलरी 15,000 है, यदि 20,000 वाले हैं तो 10,000 रुपये महीना हो गया और जिसकी 25,000 है वो 12,500 रुपये महीना, ये आपकी ज़रूरत के ऊपर खर्च होता है। अब इससे ज़्यादा भी खर्च हो जाता है यदि आप वांट्स की बात करें तो यहाँ पे 4500 15,000 वाली सैलरी के लिए 20,000 रुपये यदि महीना कमा लेते हैं तो 6,000 रुपये अपने शौक के लिए कर सकते हैं, 25,000 रुपये महीना कमाते हैं तो 7,500 रुपये कर सकते हैं। तो दोस्तों नीड और वांट्स को दोनों को यदि प्लस कर दें तो 80% जो पैसा आपका है आपकी कमाई का वो आपके ज़रूरत पर और आपकी शौक पर पूरा होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो भी कमाते हैं दोस्तों 10-15 हज़ार कमाएं, 20,000 कमाएं, 25,000 कमाएं, इसमें से बड़ी मुश्किल से पैसा बच पाता है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी होता है कि जो पूरा पूरा महीने का खर्च हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप कितना बचा लेते हैं, यदि 15,000 रुपये महीना आप कमाते हैं उसका 20% यानी 3,000 रुपये आप महीना सेव करते हैं या फिर आप 20,000 रुपये महीना कमाते हैं तो क्या आप 4,000 रुपये महीना सेव कर पाते हैं या फिर आप 25,000 रुपये महीना कमाते हैं तो क्या 5,000 रुपये आप सेव कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे सर ये जो अमाउंट आप दिखा रहे हैं ना इतना हम सेव नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप 15,000, 20,000, 25,000 रुपये की सैलरी आपकी है, इसमें से मैं एक एवरेज मान के चलता हूँ कि यदि आप 3,000 रुपये महीना भी आप सेव करते हैं तो अगले 20 सालों के लिए आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। महीने का यदि हम 3,000 रुपये भी बचा लेते हैं और उसको सेव करके इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों एज 25 ईयर्स का मैं लेके चल रहा हूँ, 20 से 25 साल मैंने बोला था, उस पीरियड में आपका जो भी एज होगा मैक्सिमम 25 साल का हम लेके चल रहे हैं और गोल हमारा है 20 ईयर्स का है, मतलब 45 साल की एज के लिए हम यहाँ प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, उनके लिए भी देखिए ऑप्शन बना हुआ है जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, PPF है। अब फिक्स्ड डिपॉजिट और PPF के लिए तो आपको पैसा ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आप FD या PPF में पैसे को सेव करके रख सकते हैं और यदि आप जो है मंथली सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना रिस्क के तो आप RD को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं, बैंक या पोस्ट ऑफिस में आप रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं। 7 से 8% का रिटर्न्स यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे ये जो भी माध्यम है इसमें जीरो रिस्क के साथ आप पैसे को अपने सेव करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा लॉन्ग टर्म में चल के देखने को नहीं मिलता, ये आप भी जानते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि सारे ऑप्शन खराब हैं, अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग देखिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बने हुए हैं। तो जो लोग बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते वो लोग ऐसे ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन यदि आप थोड़ा सा रिस्क लेकर के अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको ऑन एन एवरेज 15% का हर साल रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट
एक्युमुलेट करके चल सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म में दोस्तों, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म की जर्नी है। ऐसा नहीं है कि आप जो है 2 साल 3 साल 5 साल के लिए प्लानिंग करके आप आ रहे हैं तो यहाँ से आप एक अपनी जो भी टारगेट आपकी उतना आप बना सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगले 15 साल 20 साल के लिए आप प्लानिंग करते हैं, जैसे लोग LIC वगैरह कराते हैं तो 20 से 25 साल का प्रीमियम भरते हैं कि नहीं, वैसे म्यूचुअल फंड भी दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क लेके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3,000 रुपये महीना आप सेव करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में 2 म्यूचुअल फंड में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो फंड है वो है मिड कैप कैटेगरी का। अब मिड कैप में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम होती है स्मॉल कैप के मुकाबले, रिस्क भी कम होता है, तो एक थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क वाला फंड और एक थोड़ा सा हाई रिस्क वाला फंड, दोनों ही फंड के बारे में डिस्कस करेंगे, आप अपनी प्लानिंग उसके अनुसार कर सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड की यदि बात करें सर, तो आप देख सकते हैं यदि इसके बेंच मार्क की यदि हम बात करें तो निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंच मार्क है, और ऑल टाइम बेसिस पे यदि हम बात करें, मतलब यदि 5 साल भी देखें तो 5 साल में भी इसने अपने बेंच मार्क को बीट करके रिटर्न दिया है, और मैक्सिमम भी बात करें तो भी अपने बेंच मार्क को बीट करके रिटर्न दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड का अपने बेंच मार्क को लॉन्ग टर्म में बीट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस म्यूचुअल फंड को कह सकते हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट करने लायक है। इसके बाद दोस्तों इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो 0.6% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो चार्ज होता है। 10,378 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फंड साइज हो जाता है। SIP देखिए यहाँ पे मिनिमम 500 रुपए है और लमसम भी 500 रुपए है। तो दोस्तों आप 500 रुपए से भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जिट लोड 1% है, एक यदि आप 1 साल के अंदर पैसे को विड्रॉ करते हैं। तो इस फंड का पिछले 5 साल पहले की परफॉर्मेंस यदि देखें दोस्तों, तो SIP 2,000 रुपए महीना जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, देख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ था 1,20,000 रुपए और प्रॉफिट यहाँ पे केवल हो रहा है 1,70,000 रुपये। टोटल जो कैपिटल यहाँ पे बन रही है 2,90,000 रुपये बन रही है। तो ऐसे लोग जो कि 5 साल पहले इन्वेस्ट किए थे, 2,000 रुपये महीने के SIP चला रहे हैं, उनको इतना प्रॉफिट इस फंड ने जनरेट करके दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स बात कर लेते हैं। तो मिड कैप फंड में 72% पैसा इन्वेस्ट किया गया, लार्ज कैप में 22.4%, मतलब आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पे बैलेंस भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप में बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और डेप्ट में भी पैसे को दोस्तों यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे यदि होल्डिंग्स की बात करें, और दोस्तों यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जिसमें कि पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया। जियो फाइनेंशियल में इन्होंने 9.9% पैसे को इन्वेस्ट किया है, जोमैटो में इन्वेस्ट किया गया है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, परसिस्टेंट सिस्टम, प्रेस्टीज स्टेट, ये कुछ मिड कैप साइज की जो कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज, उसमें यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट इस फंड ने किया हुआ है। और यहाँ पे यदि हम इसके कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें तो दोस्तों 1 साल में इसने 62% का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 38% का, 5 सालों में 31% का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन की बात करें, यानी कि जब से ये फंड आया 2014 में फंड आया था, 25% का रिटर्न इसने लगातार दिया हुआ है। और यहाँ पे जो दूसरा फंड है दोस्तों वो है स्मॉल कैप फंड, मतलब कि यहाँ पे SBI स्मॉल कैप फंड को हमने पिक किया हुआ है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने अपने बेंच मार्क को बीट किया हुआ है, 5 सालों में आप देखें या फिर आप मैक्सिमम कर दें तो भी इस देख सकते हैं अपने बेंच मार्क को किस तरीके से इस फंड ने बीट करके रिटर्न्स दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बात करें 0.66% का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है, 28,000 करोड़ रुपये इन्वेस्टेड है, और यहाँ पे लमसम आप नहीं कर सकते हैं, 500 रुपये महीने के SIP आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यदि डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स की बात करें, SIP अगेन जैसे हमने मोतीलाल ओसवाल में कंपैरिजन किया था, 2,000 रुपये महीने की SIP चली है, 5 सालों में यदि देखा जाए तो 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट हुआ है और 1,30,000 रुपये रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट करके दिया हुआ है। टोटल यहाँ पे पैसा बना है 2,53,000 रुपये, ठीक है। और यदि यहाँ पे यदि इसके एलोकेशन की बात करें तो देख सकते हैं 82% जो पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है, मतलब प्योर स्मॉल कैप कंपनी, कहीं से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं, और मिड कैप में 4.4%। तो दोस्तों यहाँ पे कैश में भी पैसे को रखेगा
गया 12.9%। और यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर वाइज एलोकेशन भी है, मतलब डाइवर्सिफाइड है, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर साइकिल, फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक मटेरियल्स, इस तरीके से पैसे को यहाँ पे एलोकेट किया गया है। इसके बाद इसकी कुछ होल्डिंग्स आप चेक करेंगे तो देख सकते हैं ब्लू स्टार, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, कल्पात्रू प्रोजेक्ट, GETD इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, ऐसी कुछ कंपनियाँ जो स्मॉल कैप की हैं उसमें पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। रिटर्न्स की बात करें तो 45.1% एक साल का रिटर्न, 3 सालों में 25.9% का, 5 ईयर्स में 29% का, और सिंस इंसेप्शन दोस्तों 27% का रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिया हुआ है। तो आपने SBI स्मॉल कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड्स के बारे में डिटेल्स देखी। दोस्तों दोनों ही फंड्स का जो रिटर्न्स रहा है पिछले 9 से 10 सालों में वो ऑन एन एवरेज 25% का रहा है। तो एक एवरेज यदि हम लेके चलते हैं तो 25% का रिटर्न्स आता है, लेकिन यहाँ पे 25% लेके हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि अगले 20 साल के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों 20% का रेट लेकर के यहाँ चलेंगे। 3,000 रुपये महीने की SIP चली है, 3,000 रुपये महीने की SIP हम स्टार्ट कर सकते हैं, 1,500 दोनों फंड्स में हम बांट सकते हैं, और 240 महीना यानी कि लगभग 20 ईयर्स का टाइम पीरियड यहाँ पे लेके चल रहे हैं। और दोस्तों 20% का यहाँ पे एवरेज एक रिटर्न्स हम लेके चल रहे हैं। तो देखते हैं क्या रिटर्न्स आता है, क्या रिजल्ट आता है इसका। 7,20,000 आपके इन्वेस्टमेंट होंगे और टोटल सर रिटर्न्स यहाँ पे बनेगा 86,00,000 रुपये, और टोटल जो कैपिटल आएगी वो 93,28,000 रुपये ये कैपिटल आपकी आएगी। तो दोस्तों आप इसे कंपेयर कर सकते हैं कि आप क्या LIC से इतना पैसा बना सकते हैं या फिर आप RD करके इतना पैसा बना सकते हैं। दोस्तों आप सोच करके खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा अमाउंट दोस्तों जा रहा है, ऐसा नहीं कि आप 3,000 रुपये महीने पे ही टिके रहेंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप इसको स्टेपअप भी कर सकते हैं, हर साल आप 5% 10% को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये अमाउंट आपका जो है ये बढ़ता जाएगा और आपके रिटर्न्स भी बढ़ते जाएंगे। तो अगले 20 सालों में सर में 1 करोड़ के ऊपर का रकम हम बना सकते हैं और जो भी हमारी गोल्स हैं 45 की उम्र में उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी से लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।